आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कॉलम वन में सेल्फ रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन जो होता है वो आप किस किस में यूज करते हैं? लेड एंड कॉपर में। तो देखेंगे सेल्फ रिडक्शन के प्रोसेस में क्या रहता है। जैसे मान लीजिए आपने सल्फाइड का ओर लिया, यही हम एग्जैक्ट सेम प्रोसेस कॉपर के लिए भी होगा। और अगर हम इसका रोस्टिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे बन जाता है PVO प्लस SO2। ठीक है, अब जो PVO बना और जो PVS उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ये PVS क्या करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और PV का फॉर्मेशन करता है प्लस SO2। ये जो देखिए आपको जो PV मिला है ये आपको PVS से फॉर्म हो गया और ये सेल्फ रिडक्शन से फॉर्म हुआ। इसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेल्फ रिडक्शन का हम यूज कब करते हैं, जब आपका आपके पास इम्प्योरिटीज कैसी होती हैं, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, तब हम सेल्फ रिडक्शन का यूज करते हैं। अच्छा, जबकि अगर आपका इम्प्योरिटी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है तो हम क्या यूज करते हैं, कार्बन रिडक्शन मेथड। कार्बन रिडक्शन का हम यूज कब करते हैं, व्हेन इम्प्योरिटी कंटेंट इज हाई। व्हेन इम्प्योरिटी आपकी कैसी होती है, हाई होती है। तो कार्बन रिडक्शन में हम देखेंगे हम क्या करते हैं कि इसी लेड ऑक्साइड को हम कार्बन से रिएक्शन करा दें तो हमें PV प्लस CO मिलता है। अब ये CO चीफ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये PVO प्लस CO इज इक्वल टू PV प्लस CO2 आपका बनाता है। ठीक है, तो आपको देखिए दोनों रिएक्शन में लेड ऑप्टेन हो गया, ये आपके पास होती है। इसमें एक और रिएक्शन होती है जिससे जो PVSO4 जो फॉर्म हुआ है वो भी कार्बन से रिएक्शन करके PV प्लस 4 CO का फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया कार्बन रिडक्शन मेथड। तो सबसे पहला देखेंगे सेल्फ रिडक्शन, तो ए आपका देखिए क्या क्या हो गया, ए किससे मैच कर गया, ए आपका मैच कर जाएगा पी और आर से, ये लेड और कॉपर के लिए यूज होता है ए। अगर मैं बी को देखूं, कार्बन रिडक्शन किसके लिए यूज करते हैं, कार्बन रिडक्शन मेथड लेड के लिए आपका होता है, तो बी के लिए पी हो गया। उसके बाद देखेंगे सी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, तो वो देखेंगे किसके लिए यूज होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट बाय मेटल, तो ये रिएक्शन होती है आपके पास सिल्वर और गोल्ड के लिए। इसे मेथड को क्या बोलते हैं, साइनाइड प्रोसेस हम इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने इसका सिल्वर या AG या AU का अगर हमने वो लिया, ठीक है, तो आप AG का देख लेंगे। अगर मैंने AG या AU का अगर हमने और लिया और इसकी रिएक्शन हमने कराई NaCN से, ठीक है, प्लस O2 प्लस H2O, तो आप देख सकते हैं ये बना देगा AgCN होल ट्वाइस माइनस, ये देखिए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया प्लस NaOH। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, जिंक मेटल या जिंक डस्ट से अगर कराते हैं, जिंक पाउडर से कराते हैं, जिंक क्या करता है इसको डिस्प्लेस कर देता है और आपको AG ऑप्टेन हो जाता है और ये अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनाइड मेथड। ठीक है, साइनाइड प्रोसेस या मैकआर्थर फॉरेस्ट मेथड। तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है तो ये किसके लिए यूज होता है, सिल्वर के लिए, सिल्वर और गोल्ड के लिए। तो यहाँ आपको सिल्वर दिया तो देखिए सी किससे मैच हो गया, क्यू से, सी आपका क्यू से मैच हो गया। अगला आपको देखे रखा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन किस चीज का देखे रखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ आयोडाइड आपको देखे रखा है। तो देखेंगे आयोडाइड का डिकम्पोजिशन हम किस केस में यूज करते हैं, वैन वर्कल जो प्रोसेस होता है आपके पास उसमें हम यूज करते हैं। तो वैन एरकल प्रोसेस में आप देखेंगे, वैन एरकल प्रोसेस में आप देखेंगे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने बोरॉन लिया, इसकी रिएक्शन कराई आयोडीन के साथ, तो किसी एक टेम्परेचर T1 पे ये बना देगा आपका Bi4। अब अगर मैं इसको फर्दर अगर हीट करूँ हायर टेम्परेचर पे इन प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, तो ये आपको वापस से बोरॉन दे देगा, ठीक है, और प्लस आयोडीन रिलीज हो जाएगी। तो ये देखिए आपका वो शुरू में जो बोरॉन था वो कैसा था, इम्प्योर था, और बाद में जो बोरॉन मिला है वो कैसा है आपका, प्योर फॉर्म में। तो ये वैन एरकल मेथड होता है जिसमें T2 जो ये जो टेम्परेचर है 1400, ये ज्यादा होता है, T1 टेम्परेचर अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस हम रखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लास्ट वाला आपका किससे मैच हो जाएगा, S से, तो D के लिए क्या हो जाएगा, S, तो A के लिए P कॉमन R, दिस इज R, B के लिए P और C के लिए Q और D के लिए S। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।